यानी कहीं ना कहीं ये बात अब कबूल कर लिए है लोगों ने कि राम मंदिर का जो मसला है दरअसल वो सियासी मसला है, उस पर बीजेपी उतना ज्यादा फोकस नहीं रखती, महज वोटों की खातिर फोकस रखती है। ये समझ आता है कि नहीं आता पठानिया साहब? सबसे पहले तो मैं उसी मुद्दे पर वापस आना चाहता हूं जो बस कि इसका सवाल का जवाब दे दीजिए है। आप वापस आ नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे एक बात का प्रश्न पूछता हूं। मिश्रा जी ने एक बात बोली कि स्मृति ईरानी जी भी वहां पे एक महीने से कैंप कर रही हैं। अरे मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं सर, मैं आपको जानकारी देता हूं सर, इलाज करती है। अरे मिश्रा जी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, उनको पता नहीं चला स्मृति ईरानी बोलती है मैं अमेठी के लोगों की सेवा करती हूं। स्मृति ईरानी जी एक महीने से कैंप नहीं कर रही है, पिछले 5 साल से अमेठी के अंदर और उससे पहले भी अमेठी के अंदर हमारी स्मृति ईरानी जी पूरा संघर्ष कर रही है। हर एक बूथ पर हर हर गरीब के घर के अंदर ये राजनीति है। इस देश का एक नागरिक आपके स्मृति ईरानी और उनके राहुल गांधी के बीच में फंस के मर गया। बिल्कुल गलत। अब आप इसी को पॉलिटिकल कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस मुद्दे के, क्या हम लोग इतने वैचारिक रूप से दिवालिया हो गए हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु राहुल गांधी जी के हॉस्पिटल में हो जाती है, उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि देश के अंदर गरीब इन दोनों के बीच में फंस गया है? मानता तो मैंने जब वो मर रहा था तब जाती, पहले उसको बचाती, फिर आके बोलती कि हाँ कांग्रेस ने इसको इलाज नहीं दिया, मैं वहां गई, मैंने उसको बचाया, वो मर गया। तो आज आ रही है दुनिया को बताने के लिए कि एक पेशेंट मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि राहुल गांधी के कारण। अरे साथ जनता को बख्श दीजिए आप राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और बोल रहे हैं ना वो बहुत हास्यपद है। बहुत हास्यपद है। यदि एक व्यक्ति की इससे बड़ा राहुल गांधी हर गरीब को मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं होगी। एक गरीब आदमी यदि मोदी जी का कार्ड है, अरे मोदी जी का कार्ड नहीं है, प्रधानमंत्री आप इस बात को सूर्य प्रताप जी, सूर्य प्रताप जी, सूर्य प्रताप जी, सूर्य प्रताप जी, एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, एक मेरा सवाल लेने दीजिए, मेरा सवाल लेने दीजिए। आपने दोनों सियासी पार्टियों को कह दिया कि वो सियासत खेल रही है, माना दोनों सियासत खेलती हैं, सियासी माहौल है, सियासत खेल रही है। मेरे को ये बताइए कि दरअसल हो सकता है स्मृति ईरानी को आज ही पता चला हो, कल तक ना पता हो, आपने कहा 17 दिनों से वो डेरा जमाए बैठी है। लेकिन आपसे मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए मेरा सवाल ये है आपसे, ये है आपसे सवाल कि हॉस्पिटल आपके राज्य में है, ट्रस्टी हॉस्पिटल के राहुल गांधी हैं, आपका जो इंपैनलमेंट का प्रोसीजर होता है राज्य सरकार उसको रिकमेंड करती है, केंद्र सरकार रिकमेंड करती है, आप ये बताइए कि एक्शन क्या लेंगे अगर वाकई आपके आयुष्मान कार्ड को इस तरह से दरकिनार कर दिया गया और वो शख्स मारा जाता है, आप हॉस्पिटल के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? और क्या एक्शन? आप ये बताइए, खाली सियासत के लिए वही सवाल है आप ये बताइए क्या एक्शन लेंगे? मतदान वाले एक मिश्रा जी एक मिनट क्या आप ये बताइए चुनाव वाले दिन ऐसी बात करके आप फायदा लेंगे? आदमी मर जाए और पार्टियां राजनीति कर रही हैं। मिश्रा जी अब उससे आगे बढ़ने दीजिए, ये पूछने दीजिए बाकी ये सियासत वाला काम था या सूर्य प्रताप जी क्या होगा हॉस्पिटल पर एक्शन क्या होगा? इस लाइव डिबेट में एक बार ठोक के बोल रहा हूं जी कि सबका हिसाब होगा और हर हाल में हिसाब होगा। एक एक जान की कीमत वसूली जाएगी, एक एक खून के बूंद की कीमत वसूली जाएगी, एक एक आंसू की कीमत वसूली जाएगी। 23 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, उसके बाद इस हॉस्पिटल की यदि हम लोगों ने मान्यता रद्द नहीं कराई तो आप देखिएगा आप मुझे दोबारा यहां बुलाएंगे, आप मुझसे बोलेंगे कि हां प्रकाश जी आपने आज ये जो चीज बोली थी 6 तारीख को वो हुई थी इसके बाद। और हम आपको इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि चाहे वो राहुल गांधी का हॉस्पिटल हो, चाहे देश में किसी भी बड़े करोड़पति का हो, अरबपति का हो, लेकिन यदि इस देश के गरीब की जान से कोई खिलवाड़ करेगा तो देश का चौकीदार खड़ा है डंडा लेकर।
उस हॉस्पिटल को हम मान्यता रद्द करेंगे, उस हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटीज को बंद करेंगे। चलिए जरा तारुफ करा दूं, किसी भी प्रकार से कोई गरीब आदमी का शोषण करेगा तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी है, देना जानती है, जाने चली जा रही है। हर उस गरीब के बात करेंगे, अरे अभी एक्शन लीजिए ना जाकर के, यूपी में भी आपकी सरकार है, आज ही उसको बंद करवाइए। सर आप ही लोग बोलेंगे, आप लोग यहाँ बैठ के बोलेंगे कि पॉलिटिकल इश्यू बनाकर उस डॉक्टर के ऊपर हमला किया गया। तेईस तारीख के बाद हम बताएंगे ना उस गरीब की जान कितनी महंगी पड़ी है राहुल गांधी जी को, आप ये देख लीजिएगा इसके ऊपर। और मैं बता दूं राहुल गांधी जी के ऊपर मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ एक बात का, और कि रेसलर हेराल्ड केस में भी जो फंसे हुए हैं और बेल अरे कहां भाग रहे हो, इधर उधर मत जाइए, कहां भाग रहे हो, इधर उधर मत जाइए, अब जेल और के हॉस्पिटल के ऊपर भी केस बनेगा। मेरी बात चिंता मत कीजिए, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, एक भी देशद्रोही नहीं बचेगा, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। पिछले पांच साल में जो इस देश के अंदर विकास की गंगा बही है, ईमानदारी की गंगा बही है, इस देश को जो सुरक्षित किया गया है, अगले पांच साल हम और दोबारा सुरक्षित करेंगे, इस देश को हम विश्व का नंबर वन देश बना के मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण है जो हमारे पूरे देश के पूरे विश्व में बचेगा, आप इस बात को मान लीजिए। अच्छा आप जरा रुकेंगे, बोलते भी नहीं आप, रुकेंगे जरा बोलते थोड़ा सा रुकेंगे मिश्रा जी हल्का सा रुके जरा आप, क्योंकि तारुफ करा दूं विनय जी समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है विनय जी आपका, आपसे सवाल भी ले लेते हैं। ये गर्मा गर्म बहस चल रही है क्योंकि अभी ताजा बाइट आई है स्मृति ईरानी की, और उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी के ही एक हॉस्पिटल में जिसके वो खुद ट्रस्टी भी हैं, वहां आयुष्मान कार्ड लेकर एक मरीज पहुंचता है, इलाज की सख्त जरूरत थी उसे, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से उसके इलाज के लिए मना कर दिया जाता है और फिर आज उसकी मौत हो जाती है। ये मेरे को बताइए आपने कि क्या ये दो सीटें जो आपने छोड़ दी हैं और यहां इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि आपको ये सीटें छोड़नी चाहिए थी? आप तो दम भरते हैं, समाजवादी हैं, समाज का कल्याण करने के लिए आप निकले हैं, तो फिर ये सीटें छोड़ दी, ऐसी खबरें आ रही हैं, आपको भी तो अपना कैंडिडेट देना चाहिए था वहां। देखिए मैं बता दूं, ये स्मृति ईरानी जी अदाकार हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी अदाकार हैं, और अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो अदाकार की तरीके से एक फिल्मी इंटरव्यू देते हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके आयुष्मान भारत का जो गोल्डन कार्ड है उसकी जमीनी हकीकत आज क्या है, ग्राउंड पे आकर के आप देखें जो इन्होंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दिया, क्या कोई इलाज करना चाहता है? कोई इलाज करना नहीं चाहता है, ये झूठ बोलते हैं केवल, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज ये हताशा जब इस चरण में आ गए हैं हम, और इनका जो पिछला अभी तक चुनाव हुआ है, इनके पास सारा रिपोर्ट है। लेकिन विनय जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध दिया कि इसकी कार्ड की मान्यता कितनी है, ये बात नहीं है, बात यह है कि इस मुद्दे से राहुल गांधी सीधे तौर पर जुड़े हैं। चलिए फिलहाल अब तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, धौरहरा में करीब 9.5%, सीतापुर की बात की जाए तो 11% से ज्यादा का यहां वोटिंग अभी फिलहाल हो चुकी है। इसके अलावा मोहनलालगंज 12.5% के आसपास मोहनलालगंज में मतदान हो चुका है, और लखनऊ की बात की जाए हाई प्रोफाइल सीट 10.15%, शहरी इलाका है, वोटर आराम से ध्यान से अपना नाश्ता चाय पानी करने के बाद निकलेंगे। रायबरेली की बात की जाए तो यहां 12.03%, ये भी हाई प्रोफाइल सीट। अमेठी की बात की जाए 13.33% यहां वोटिंग हो चुकी है, और इसके अलावा बांदा 14.02% वोटिंग यहां हो चुकी है। अब तक की वोटिंग का हिसाब किताब आपको बता रहे हैं, फतेहपुर में 10.09% की वोटिंग यहां दर्ज की जा चुकी है। कौशाम्बी की बात की जाए तो 11% की वोटिंग यहां से भी दर्ज हो चुकी है। तो सिलसिलेवार तरीके से बाराबंकी यहां पर 12.09% की वोटिंग हुई है, फैजाबाद से 12.05% की वोटिंग, और बहराइच से 11.02% की वोटिंग। तो 14 सीटें हैं उनका हिसाब किताब आपको बता रहे हैं। कैसरगंज में 10.06% मतदान फिलहाल अब तक यानी कि 9 बजे के करीब आसपास हो चुका है। गोंडा से 10.05% मतदान हुआ है।